राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। गंगा मैया का है, बोले क्यों? बोले कितना भी दुनिया में पापी आदमी, और जब वो मरने लगता है तो उसके पापों के कारण हम उसके प्राण लेने के लिए जाते हैं, लेकिन मरने के पहले उसके घर के लोग या तो उसके मुख में गंगा जल डाल देते, या उसकी अस्थियां गंगा जल ले जाते, या उसकी भस्मी गंगा जल ले जाते गंगा के पास में। इसलिए हम तो जाते हैं उस प्राणी को पकड़ने के लिए, तब तक भगवान के पार्षद आ जाते हैं, वो भी हमारी पिटाई लगाते हैं, हमें मार के भगा देते हैं, उस प्राणी को लेकर चले जाते हैं। यमराज जी को बड़ी गुस्सा लगी कि बताइए गंगा जी ने इतना उधम मचा के रख दिया कि पापियों को भी स्वर्ग भेज रही है। यमराज जी ने कहा मैं बात करता हूं। गदा लेकर के एक दिन गए हरिद्वार में, गंगा के किनारे खड़े हो गए। लाखों की भीड़, संध्या कालीन बेला में गंगा मैया की आरती हुई, और जैसे ही आरती हुई सब लोगों ने प्रणाम किया, दीपक दिखाया और सब लोग विदा हो गए। पर यमराज जी अपना गदा लेकर के खड़े हुए हैं। गंगा मैया ने देखा कि भैया पता नहीं क्यों खड़े हैं, कुछ बात करना चाहते हैं क्या? इसलिए गंगा जी प्रकट हो गई और गंगा जी ने कहा कि भैया क्या बात है, क्या कारण है? आप आज बड़े परेशान लग रहे हैं, कुछ गुस्से में लग रहे हैं, कुछ क्रोध की दृष्टि दिखाई दे रही, क्या कारण है? यमराज जी ने कहा गंगा गुस्सा की तो बात ही है। गंगा जी ने कहा गलती कुछ मेरी हो गई क्या? यमराज जी ने क्या उलाहना दिया गंगा जी को पता है? यमराज जी ने कहा गंगा कान खोल करके एक बात सुन लो। बोले तारन की तो है बान परी, बान माने आदत। गंगा तुम्हें तारने की, उद्धार करने की आदत जैसी पड़ गई है। बोले कैसे? बोले तारन की तो है अरे बान परी, तू अघी ना अघी को विचारती हो। बोले पापी सुरापी पे करके कृपा, अमरेश के धाम पठावती हो। पापियों को भी तुम अमरेश यानी स्वर्ग भेज देती हो। बोले विष्णु महेश के अरे दूतन से, मेरे दूतन को पिटवावती हो। विष्णु महेश के दूत आ जाते हैं, वे हमारे दूतों को मारते हैं और तुम देखती रह जाती हो। और गंगा ज्यादा घमंड मत करो, देखो गुस्से में क्या कहा। लड़ तो था मन में, दुलार तो था, लेकिन जरा महाराज यमराज जी का उल्हाना देखो क्या बोले। अरे बोले एक नंगा के शीश पे, अरे एक नंगा के शीश पे बैठ के गंगा तुम नाहक दंगा मचावती हो, तुम नाहक दंगा मचावती हो। गंगा तुमने तो दंगा मचा के रख दिया। गंगा मैया खूब हंसी, भैया इसमें हमारी क्या गलती है? जब हमारा यहाँ अवतार केवल उद्धार के लिए ही कराया गया है तो इसमें हमारी क्या गलती? अब आप ऐसा करो कि प्राणी गंगा के पास तक ना पहुंचने पाए, उसके मुख में गंगा जल ना डलने पाए, ये आपका काम है। लेकिन हमसे जो स्पर्श होगा वो तो उद्धार उसका होना ही है, ये तो हमारी गारंटी है। इसलिए गंगा मैया ने कहा मुझे सिर पर स्थान मिला है क्योंकि मैं मृत्युलोक के प्राणियों का उद्धार करती हूं। आज पार्वती जी ने संकल्प लिया, गंगा तुम केवल मृत्युलोक के प्राणियों का उद्धार करती हो इसलिए तुम्हें सिर पर स्थान मिला है। आज मैं संकल्प लेती हूं मैं ऐसी गंगा बहाऊंगी, ऐसी गंगा बहाऊंगी जो केवल मृत्युलोक के प्राणियों का नहीं बल्कि सारे लोगों के प्राणियों का उद्धार करने वाली होगी, ऐसी गंगा का प्रादुर्भाव करूंगी। क्या किया आज महारानी पार्वती जी ने? महाराज कथा जो सकल लोक हितकारी, एक लोक की बात नहीं कर रही हूं, कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछने चाहे सैन तुम्हारी, करता जो सकल लोक हितकारी सोई पूछने चाहे सैन तुम्हारी, करता जो सकल लोक हितकारी।
शंकर जी की कथा हो रही है इसलिए शंकर जी के गण तो आएंगे ही, एक आध बीच में थोड़ा दर्शन तो होना आवश्यक है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। निवेदन में ये कर रही थी आपके बीच में, आज महारानी पार्वती ने कहा सारे लोगों का हित करने वाली। शंकर जी ने कहा अपने हित की चर्चा क्यों नहीं कर रही हो, सारे लोगों की चिंता क्यों है। पार्वती जी ने कहा इसलिए महाराज की यदि केवल आप मेरे नाथ होते तो मैं अपने हित की बात करती, लेकिन आप मेरे नाथ नहीं हैं, आप तो विश्वनाथ मम नाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आप विश्व के नाथ हैं इसलिए जो भी चर्चा आपके द्वारा होगी वो विश्व के हित में होनी चाहिए। कृपा करके आप मुझे वो कथा सुना दो जिससे सारे लोगों का हित हो। शंकर जी ने कथा बाद में सुनाई, सबसे पहले धन्यवाद दिया। रामचरितमानस पढ़ेंगे तो पता चलेगा, सबसे पहले धन्यवाद दिया महारानी पार्वती जी को। क्या कहा, बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कहो उपकारी। धन्य हो धन्य हो। पार्वती जी ने कहा महाराज धन्यवाद क्यों। शंकर जी ने कहा इसलिए पहला धन्यवाद तुम्हारे माता पिता को जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया आज जो सारे लोगों का हित करने जा रहे हैं, और दूसरा धन्यवाद पारे हमारे यहां धन्यवाद का पात्र वो है, एरे गेरे नत्थू घरे धन्यवाद के पात्र नहीं है, क्योंकि आजकल हमने धन्यवाद की इतनी बर्बादी कर डाली, इतनी बर्बादी कर डाली कि अगर किसी ने खाने के लिए गुटखा दे दिया जो हमारे कलेजे को जलाने का काम करता है, किसी ने सिगरेट पीने के लिए एक माचिस की तीली दे दी तो आप लोग कहते थैंक यू धन्यवाद आपने बड़ा अच्छा किया। हम कहते हैं अरे गरे नत्थू कहरों को कभी धन्यवाद मत देना जो तुम्हारे कलेजों को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद का पात्र वो है जो हमें सदमार्ग की ओर ले जाए, अच्छे कार्यों से जोड़े, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। धन्यवाद का पात्र हमारे यहाँ वो है। पार्वती जी ने कहा महाराज मैंने किया क्या है जो धन्यवाद आप मुझे दे रहे हैं। शंकर जी ने कहा सुनो पार्वती, आज तुमने पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, पूछे वो रघुपति। शंकर जी ने कहा तुमने आज एक गंगा का प्रादुर्भाव किया है। पार्वती जी ने कहा ये गंगा तो आपके सिर से पहले से ही बह रही है, बड़ाई की क्या बात है। शंकर जी ने कहा दोनों में बड़ा अंतर। बोले कितना, बोले इन गंगा में जो भी स्नान करेगा डुबकी लगाएगा उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर के पाप धुलकर नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पार्वती इन गंगा में नहाने के बाद पाप धुल तो सकते हैं लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं धुलती। अगर पाप करने की प्रवृत्ति गंगा में स्नान करने पर धुल गई होती तो गंगा के किनारे घूमने वाले चोर ना होते, उनकी वृत्तियां कब की बदल गई होती। इसलिए इन गंगा में स्नान करने का महत्व यह है कि इनमें स्नान करने पर पाप धुल जाएंगे लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं। लेकिन पार्वती कथा रूपी गंगा का महत्व यह है, इनकी पराकाष्ठा यह है कि इसमें जो एक बार डुबकी लगाएगा एक बार स्नान करेगा उसके तो पाप करने की प्रवृत्ति ही बदल जाएगी, वो तो पाप करना ही छोड़ देगा, उसके विचारों में परिवर्तन होने लगेगा, और जब विचार बदल जाते हैं पार्वती तो जीवन बदल जाता है। घटना जानते होंगे आप, कुंभकार की पत्नी, कुंभकार ने देखा कि
कुछ धंधा करना चाहिए, चक्के पर मिट्टी रखी, कुछ बनाने का विचार बनाया, क्या बनाऊं, मन में विचार आ गया चिल में बनाई जाए। आजकल गांजा वांजा पीने वाले बहुत पैदा हो गए, इसलिए अच्छी दुकान चलेगी। जैसे विचार बनाया, गांजा का विचार आया तो चिलम बनाने चलेगी, चिलम बना लूं। उसकी पत्नी ने कहा, क्या जी, 2-4 रुपए का धंधा करने जा रहे हो, अगर धंधा करनी है तो थोड़ा मोटा करो। क्या करे? अरे बोले, गर्मी के दिन आ रहे हैं, अगर बनाना ही है तो चिलम ना बनाकर बढ़िया सुराहियां बनाओ, 20-25-50 से कम की नहीं बिकेगी। चिलम 2-5 रुपए की, इतना छोटा धंधा करके क्या करोगे? कुंभकार का विचार बदल गया। पत्नी की सलाह मानकर उसने चक्के पर ज्यादा मिट्टी रख ली, और मिट्टी रख करके जब सुराहियां बनाने लगा तो उसकी मिट्टी के अंदर से आवाज आई, अरे कुंभकार, पहले क्या बना रहा था, अब क्या बना रहा है? कुंभकार ने कहा, पहले तो मैं चिलमे बना रहा था, लेकिन अब मेरा विचार बदल गया, इसलिए मैं सुराहियां बना रहा हूं। मिट्टी के अंदर से आवाज आई, रे कुंभकार, तेरा तो विचार ही बदला है, मेरा तो जीवन ही बदल गया। का क्यों? बोले, यदि इस मिट्टी से तू चिलमे बनाता तो मैं स्वयं भी जलती, दूसरे के कलेजों को जलाकर राख करती, लेकिन तूने सुराहियों का विचार बना लिया है तो अब मैं स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरों के कंठों को भी शीतल बनाऊंगी। जब व्यक्ति के विचार बदलते हैं तो जीवन बदलता है। इसलिए शंकर जी ने कहा, देवी, इन कथा का महत्व यह है कि जिसमें एक बार स्नान करता है कोई, तो उसके विचारों में परिवर्तन, उसके पाप करने की प्रवृत्ति छूट जाती है। देवी, ये गंगा जो है ना, ये भगवान के चरण से निकलने वाली गंगा है, लेकिन जो कथा रूपी गंगा, ये भगवान के आचरण से निकलने वाली गंगा है, ये भगवान के आचरण की गंगा है। महारानी पार्वती जी से शंकर जी ने कहा, देवी, एक है मानसरोवर और एक है रामचरित मानस सरोवर, इसको भी एक सरोवर की उपाधि दी गई। देवी, उस सरोवर में केवल मात्र एक रस है, लेकिन इसमें 9 रस है। जो आज तुम्हारे सामने प्रादुर्भाव होने जा रहा है, इन मानसरोवर में और उस मानसरोवर में बहुत अंतर है। बोले, कितना? बोले, यहां 9 रस हैं, रस एक वहां, क्योंकि उस मानसरोवर में हंस रहते हैं देवी, इसमें परम हंस रहते हैं। बोले, यहां 9 रस हैं, रस एक वहां, यहां वाणी है संत की, पानी नहीं, यहां वाणी है वहां पानी है। बोले, और सुनो, इस राम चरित्र के अरे मानस से उस मानस की तुलना ही नहीं। का क्यों? बोले, तन का मल तो धुलता है वही, तन का मल तो धुलता है वही, लेकिन मन का मल तो धुलता है यही। और सुनो पार्वती, बोले, वहां डूबता जो, अरे वहां डूबता जो, यदि उस मानसरोवर में तैरना नहीं आता, गहराई में चले गए तो मरना निश्चित है। बोले, यहां, बोले, वहां डूबता जो मर जाता वही, ओ यहां डूबता जो तर जाता यही, यहां डूबता जो तर जाता यही। देवी, यहां डूबने पर व्यक्ति का तरना निश्चित है और वहां डूबने पर मरना निश्चित है। जानते हैं, आज ही पेपर में 2 सालों से तैरना सीख रही थी महिला, लेकिन गहराई में जाने पर मरना पड़ गया। लेकिन इस सरोवर में तैरना भी नहीं आता है ना, कितनी गहराई में चले जाओ, लेकिन मरने की कोई गुंजाइश नहीं, तैरने का सौभाग्य मिलता है, मरने का कोई डर नहीं। इसलिए शंकर जी ने कहा, देवी, आज तुमने बड़ी सुंदर कथा पूछा है और आज तुमने बड़ा सुंदर सुअवसर प्रदान किया है, क्योंकि ये कथा तो अनंत वर्षों से किसी ने शंकर जी से पूछा, ये कथा आपने रची है क्या, ये कथा आपने लिखी है क्या? शंकर जी बोले, अगर हमने लिखी होती तो हम कुंभज के यहां क्यों जाते? एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, एक बार
गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया, कथा आपने लिखी? बोले नहीं, मैंने नहीं, ये तो कथा हमसे पहले वाल्मीकि जी महाराज ने लिख दी थी। वाल्मीकि जी के महाराज पास गए, बाबा ये कथा आपने लिखी है? बोले हमने नहीं, हमें तो भगवान शंकर ने श्रवण कराई उनके द्वारा। शंकर जी से कहा कथा आपने लिखी? बोले नहीं, हम तो अगस्त जी के यहां सुनी। अगस्त जी से पूछा गया ये कथा आपने लिखी? अगस्त जी ने कहा नहीं। बोले फिर? बोले हमारी माँ को प्रसन्न करने के लिए ये कथा वेदों ने सुनाई थी, इसलिए हमने वेदों के द्वारा सुनी। ये कथा वेदों के द्वारा निकली, साधारण नहीं है ये।